हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ग्रो रिसीडिंग हेयर लाइन। सबसे पहले मैं कुछ मिस्टेक आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको अवॉइड करनी है। तो फर्स्ट मिस्टेक है रेगुलरली वियरिंग टाइट हेयर स्टाइल। कई बार हम हाई पॉनीटेल या फिर टाइट बन बना लेते हैं, उसकी वजह से बाल आगे से खींचते हैं तो वो हेयर को वीक करते हैं, इसी रीजन से हेयर फॉल होता है। आप इस मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो हेयर लाइन रिसीड नहीं होगी। आप लूज पोनी टेल या फिर लूज ब्रेड बना सकते हो या फिर लूज बन बना सकते हो, उससे बाल खिंचेंगे भी नहीं एंड हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज जैसी प्रॉब्लम को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। आप इस मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो आपकी हेयर लाइन रिसीड नहीं होगी एंड आपके हेयर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सेकेंड मिस्टेक है, जो आप हेयर वॉश करने के बाद टॉवल से रैप कर लेते हैं बालों को, उसे अवॉइड करें। ज्यादा देर तक बालों को टॉवल से रैप करके नहीं रखना। जब आप टॉवल को रैप करते हो यू डोंट इवन नो कि वह आगे से खिंच रही हैं, उसी वजह से हेयर लाइन रिसीड होती जा रही है। एंड हेयर वॉश करने के बाद आपको बालों को जोरों से रब नहीं करना होता, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद हेयर वीक होते हैं एंड अगर आप जोरों से रब करोगे तो वो टूटने लगेंगे। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप पैर ड्राई कर सकते हो और उन्हें एयर ड्राई होने देना चाहिए। थर्ड मिस्टेक है जो हम सब करते हैं, वो है बॉबी पिन का यूज। जब हम इसको लगाते हैं तो ये बहुत इजीली लग जाती है, बट जब इसको निकालते हैं तो एक या दो बार टूट ही जाते हैं। तो ये ऐसी पिन है जो हमारे हेयर को प्रॉब्लम दे रही है। हम आगे के बालों को सेट करने के लिए पिन लगाते हैं एंड जब इसको निकालते हैं तो ये आगे के बाल ही टूटते हैं, तो ये भी एक रीजन है हेयर लाइन का रिसीड होने में। आप टिक टैक वाली क्लिप्स का यूज कर सकते हो, उससे बाल नहीं टूटते। अगर आपकी किसी भी हेयर एक्सेसरीज में एक भी बाल आता है तो उसको यूज करना बंद करें। ये थे कुछ 3 रीजन जो आपको अवॉइड करने चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ रेमेडी एंड टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी हेयर लाइन में आपको डिफरेंस दिखाएंगे। फर्स्ट टिप है कॉम्बिंग। आप जब भी कॉम्ब करते हो तो आपको आगे से शुरू करना है, आप हेयर लाइन से कॉम्ब करना शुरू करें। कॉम्बिंग से हेयर डिटेंगल तो होते ही है, बट उसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब जिस जगह पे ज्यादा फोकस करोगे वो आपको रिजल्ट देने लगेगा। तो आप जब भी कॉम्ब करें मेक श्योर हेयर लाइन से ही स्टार्ट करें। आपको 5 या 10 मिनट तक अच्छे से बालों को कॉम्ब करना है। अब मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी, तो उसके लिए आपको लेना है कैस्टर ऑयल। अगर कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। देन मैं अनियन एंड गार्लिक लूंगी और उनको ग्रेट करके उनका जूस निकाल लूंगी। आपको हाफ अनियन ही लेना है। अनियन और गार्लिक का जूस को डालकर मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद आप इसे अफेक्टेड एरिया पे यानी कि हेयर लाइन पे लगा सकते हो। बाकी हेयर पे आप ऑयलिंग कर सकते हो, बट इस सीरम को सिर्फ अपने हेयर लाइन पे ही लगाना है। इसको लगा के मसाज करनी है, रात को सोने से पहले लगा लेना है। इसको लगा के 3 से 4 मिनट तक मसाज करनी है। आप जब इसको यूज करोगे तो इसको थोड़ा सा वार्म कर लेना, देन अप्लाई कर सकते हो। एंड सुबह उठकर आपको शैम्पू नहीं करना, आप टॉवल ले सकते हो या फिर गीला कपड़ा ले सकते हो और उसे क्लीन कर लेना। 2 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड स्कैल्प को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखता है। अनियन हेयर लॉस एंड हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है एंड हेयर को थिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना।